क्या खूब कहा है किसी ने, कभी आंसू कभी खुशी बेची हम गरीबों ने बेकसी बेची। कभी आंसू कभी खुशी बेची हम गरीबों ने बेकसी बेची। चंद सांसें खरीदने के लिए जनाब हमने रोज़ अपनी थोड़ी सी जिंदगी बेची। हेलो ब्यूटीफुल फेसेस, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। दिस इज विजय राय फ्रॉम vtalkindia.com एंड वेलकम बैक टू यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ। यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ के नेक्स्ट सेशन में आपका स्वागत है एंड टुडे अगेन आई एम गोइंग टू शेयर सम लर्निंग सम एक्सपीरियंस विद यू गाइस। आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि लोग कहते हैं अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। ये अमीरी और गरीबी का पैरामीटर कब तक ऐसे चलता रहेगा? हम कब, जो गरीब हैं वो मिडिल क्लास पुअर क्लास, ऑलवेज मिडिल पुअर ही रहेंगे। अपने जो कंफर्ट जोन है या जो एक गरीबी का जो पैरामीटर बना हुआ है अमीरी गरीबी का, कब गरीब अमीरी में शिफ्ट होंगे और अमीर कहीं ना कहीं वो मेंटेन रखते हैं खुद को? क्या ऐसी क्या चीज़ है जो अमीर को और अमीर बना रही है, गरीब को और गरीब बना रही है? एक कुछ कुछ तो होगा फ़र्क, जो अमीर हमेशा आगे ही बढ़ रहा है, गरीब कहीं ना कहीं पीछे ही बढ़ रहा है। गरीब के बच्चे जो नौकरी करते हैं उनके बच्चे भी नौकरी ही करते हैं, उनके आने वाली पीढ़ी भी नौकरी ही करती रह जाती है, उनके सात पुश्तों तक ऐसे ही चल जाता है। और जो अमीर एक बार मालिक बन गया वो हमेशा अमीर ही बना रहता है, आगे बढ़ता रहता है। व्हाट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, सी नोबडी कैन से कि एक्चुअल में डिफरेंस है क्या, बट यस देयर आर सर्टन थिंग्स जो एनालाइज किया जा सकता है, जो बताया जा सकता है। काफ़ी कुछ लोग जो गरीबी से कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़े लोग जो होते हैं, जब वो ऊपर उठते हैं तो उन्हें एक एहसास होता है, उनके अंदर कुछ फीलिंग्स होती है कि हाँ कभी मैं भी गरीब था, कभी मैं भी इन्हीं लोगों जैसा था, इन गरीब लोगों जैसा जो झुग्गी झोपड़ी में गुजर बस अपना जिस तरह से जैसे तैसे करके मेंटेन करते हैं खुद को और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग इस कदर इस ज़मीन से उठ के नीचे नीचे से उठ के ऊपर जाते हैं, उन्हें एहसास होता है गरीबी का अमीरी का, कि एक एक रोटी के लिए पानी के लिए जब लोग तरसते हैं और फिर ऊपर उठते हैं तो ऐसे लोगों को कुछ एहसास होता है। जब काफ़ी सारे लोगों से रिसर्च करने के बाद, सब कुछ करने के बाद कि कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं कि हाँ ऐसी कौन सी चीज़ है जो अमीरी अमीर लोगों को और अमीर बनाती है, गरीब लोगों को और गरीब बनाती है, तो कुछ लोगों ने ऐसा कहा है कि सिर्फ बहुत ज़्यादा चीज़ों का फ़र्क नहीं होता। देखो ऐसे तो फ़र्क किसी एक चीज़ पे नहीं कहा जा सकता कि क्या फ़र्क है, बट यस देयर आर सर्टन पॉइंट्स, और उस पॉइंट्स में से एक पॉइंट निकल के आता है कि सोच का फ़र्क होता है। सोच का फ़र्क किस तरह से अमीर को अमीर बनाता है और गरीब को गरीब, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी कुछ इस तरह से है कि दो दोस्त थे, वो दोस्त उनको कुछ काम नहीं मिल रहा था, किसी गांव में वो रहते थे, कोई काम नहीं मिलता था तो इधर उधर जाया करते थे, भटका करते थे, और काम की तलाश में वो रोज़ घर से बाहर निकलते, शाम तक वापस आके घर पे बैठ जाते क्योंकि काम नहीं मिल रहा था, क्या करते। अब गुजर बसर करने के लिए कहीं ना कहीं पैसा चाहिए होगा, तभी रोटी पानी आएगी और खाएंगे तो आगे गुजारा चलेगा। लेकिन वो डेली सुबह निकलते शाम तक घर आते कोई काम नहीं मिलता। एक दिन दोनों दोस्त जा रहे थे, वहीं किसी ने बगल में देखा कि उनके गांव में बहुत ही ज़्यादा पानी की समस्या है, कि वहाँ पे पानी दूर शहर तो नहीं, बस उनकी गांव से दूर एक नदी थी, सभी लोग उस नदी से पानी भर के लाया करते थे गांव में। अब उन दो दोस्तों को काम तो नहीं मिल रहा था, उन्होंने कुछ दिमाग लगाया, कुछ सोचा थोड़ा बहुत कि यार पानी लाना कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ जा ही नहीं पाते, कुछ ऐसे लोग हैं जो पानी का भार नहीं उठा सकते, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए वहाँ तक पहुँचना पॉसिबल नहीं है। तो उन दोनों दोस्तों ने दिमाग लगाया और उन्होंने लोगों को अप्रोच किया कि देखो जो ये आपका पानी लाने का काम है मैं ये कर देता हूँ, मुझे बदले में आपके यहाँ से दो वक्त की रोटी चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए। सबको सुझाव अच्छा लगा और इस तरह से दोनों दोस्तों का गुजर बस चलने लग गया। वहीं कुछ टाइम बाद जब उन्होंने देखा कि ये बहुत बड़ी समस्या है वास्तव में, जब एक जगह से हमें खाना पानी मिल रहा है तो क्यों ना इसके बारे में और कुछ सोचा जाए, थोड़ा बहुत और सोचा जाए, तो उन्होंने थोड़ा सा और दिमाग लगाया और अल्टीमेटली उन्होंने दिमाग लगाते लगाते इतना कर लिया कि 2-4-10 लोगों से और संपर्क बनाए और सबको बोलने लगा कि देखो आपका पानी जितना भी चाहिए हम उस नदी से समंदर से ला के आपको दे दिया करेंगे और हमें बदले में इतने पैसे चाहिए, चार्ज चाहिए। ये जो चीज़ थी कहीं ना कहीं आइडिया उनका चल गया गांव में, क्योंकि पानी की समस्या तो थी ही, अब समस्या का उन्होंने समाधान दे दिया था तो लोगों को पानी मिलने लग गया था, बदले में वो कुछ पैसे दे देते थे, उनका काम चल जाता था। तो इन दोनों दोस्तों की बेरोजगारी की समस्या सॉल्व हो गई और लोगों को पानी मिलने लग गया। अब उन्हें पानी तो मिलने लग गया, लेकिन उस काफ़ी टाइम थोड़ा सा टाइम बीतने के बाद उसमें से एक दोस्त का दिमाग जो है थोड़ा सा वो सोच में पड़ गया एक दिन अचानक बैठे बैठे कि यार अभी हमने इस 10-15-20 लोगों से गांव की समस्या सॉल्व कर रहे हैं, इनका पानी ला के दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, कब तक हम ऐसे ही चलते रहेंगे, सिर्फ ये जो ताकत
तालाब से नदी से यहाँ पानी ला के देना, फिर जो दो चार पैसे मिल जाते हैं उससे गुजारा करना। पूरी ज़िंदगी तो ऐसे नहीं चल सकते। आगे फैमिली है, फिर घर परिवार, सब चीज़ मेंटेन करना सिर्फ इन पैसों से तो नहीं हो सकता, तो इसको आगे कैसे बढ़ाएं। उसने दिमाग लगाया और उसने सोचा कि कुछ सोचा जाए। उसने अपने दूसरे दोस्त से बात की कि ऐसा ऐसा है, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है, क्या कर सकते हैं। तो दूसरे दोस्त ने कहा कि यार छोड़ क्यों, फालतू की टेंशन नहीं ले रहा है, झंझट ले रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो, दो चार पैसे आ तो रहे हैं, बेरोज़गारी से तो बढ़िया है। वो भी अपनी जगह सही था क्योंकि पहले वो बेरोज़गार थे, अब कम से कम उन्हें रोज़गार मिला था, उनका घर परिवार चल रहा था, गुजर बस चल रहा था। लेकिन पहले दोस्त ने सोचा कि नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं करना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब उसने दिमाग लगाना स्टार्ट किया। दिमाग लगाते 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 उसने कुछ सोचा, उसके दिमाग में कुछ बात आई और उसने सोचा दिन में जो मैं ये पानी का काम करता हूँ एज इट इज़, मैं दिन में ये पानी का काम करता रहूँगा, ये मटके ढोने का काम मैं करता रहूँगा। अब उसने सुबह को थोड़ा सा टाइम मैनेज किया और शाम को थोड़ा सा टाइम मैनेज किया। टाइम मैनेज करके उसने क्या किया कि सुबह शाम जो उसके पास टाइम होता उसमें उसने बांस जो होता है, पहले बेसिकली बांस अब भी काफ़ी गांव में, या कुछ लोग जानते होंगे कुछ लोग नहीं जानते, तो बांस एक घास की प्रजाति होती है। सो उसने सुबह शाम मिलके कुछ बांस के वृक्ष लाए, बांस के पेड़ काटे और उस पेड़ को नदी से लेके अपने गांव तक बिछाने का वो जाल, वो दिमाग लगाने लगा कि कैसे मैं इस बांस के पेड़ को उस नदी से लेके अपने गांव तक ला सकता हूँ। सो दिस वे वो अपने पूरे प्रयास में, पूरी कोशिश में लग गया कि उसने पेड़ गाड़े, बांध बनाई, वहाँ पे लकड़ियाँ डाली, जगह जगह जैसे जैसे पुल बनाए, जो जिस पॉसिबिलिटी थी वो करके देखा। अब करने में इतना आसान तो था नहीं क्योंकि नदी था और नदी से लेके गांव तक उसे वो पूरा बांस बिछाना था, इतना आसान तो काम नहीं था। लेकिन उसने सोचा कि चलो आसान नहीं है, एक ट्राई करने में क्या जाता है। उसके दोस्त से उसने मदद मांगी कि कहा कि चलो इस पे काम करते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने सोचा फिर भी कोई बात नहीं, मैं अकेले करूँगा। ऑल दो दिन में वो पूरा काम जो पानी का ऑलरेडी कर रहा था वो करता रहा, साथ के साथ उसने सुबह शाम मैनेज करके वो बांस बिछाना स्टार्ट कर दिया। तो बांस बिछाने में उसको जितनी दिक्कतें आनी थी वो दिक्कतें तो आई, बट फिर भी सम हाउ ही मैनेज्ड, उसने वो सारी चीज़ें मैनेज की, जैसे तैसे करके वो नदी से अपने गाँव तक वो बांस बिछाने में सफल हो गया। जो वो पहले पानी के मटके लाने अपने गांव से नदी तक जाया करता था और जाने में उसका टाइम वेस्ट होता था, इतनी मेहनत लगती थी, थकावट लगती थी, अब उसे उस नदी तक जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि अब जो नदी का पानी था वो बांस के सहारे नदी से चल के उसके गांव तक खुद आ रहा था। और बदले में उसने जो पहले वो 10 रुपये एक बार के एक ट्रिप के चार्ज किया करता था, लोगों से बस 5 पैसे 10 पैसे चार्ज करके और फिर उनको पानी देने लग गया। क्यों? क्योंकि अब उसकी मेहनत कुछ नहीं लग रही थी, अब उसे सिर्फ उस बांस की टेक केयर करनी थी और लोग यहाँ पानी खुद लेने आ रहे थे। अब उसे बार बार नदी भी नहीं जाना पड़ रहा था, उसकी मेहनत नहीं लग रही थी, उसका कुछ टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा था, उसको थकावट नहीं हो रही थी, उसे बस उस बांस की टेक केयर करनी होती थी ताकि वहाँ से यहाँ तक पानी आता रहे और वो पानी रुके ना। वहीं दूसरी तरफ जो उसका दोस्त था वो दिन भर करके जिस तरह से वो सुबह निकलता फिर शाम को वो पानी लेके आता, एज इट इज़ किया जा रहा था, और जो उसको 100 200 रुपये जिस हिसाब से भी उसकी कमाई थी वो एज इट इज़ रही थी। यहीं उसने दूसरी तरफ ऐसा एक पुल तैयार कर लिया कि उसे अब ना तो मेहनत करने की ज़रूरत, ना उतना टाइम देने की ज़रूरत, लेकिन उसकी अर्निंग बढ़ गई थी। गाँव वालों के लिए सहूलियत ये हुआ कि अब उन्हें भी वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पानी खुद चल के वहाँ से यहाँ आ रहा था, उनके गाँव आ रहा था। सो दिस वे उसने एक नया सिस्टम क्रिएट कर दिया, एक ऐसी चीज़ क्रिएट कर दी जिसने कहीं ना कहीं उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखा दिया। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिच पीपल एंड पुअर पीपल। जो गरीब लोग होते हैं कहीं ना कहीं वो आज का सोचते हैं कि आज हमारी समस्या ये है, खाने के लिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, त्यौहार मनाना है, सब कुछ, और इसके लिए मुझे इतना पैसा चाहिए, महीने में मुझे इतने पैसे कमाने हैं, आज के बेस पे मुझे इतने पैसे कमाने हैं, और वो बस उसी चीज़ पे फोकस करते रहते हैं। लेकिन जो एक रिच पीपल होता है, रिच पीपल का माइंडसेट कुछ ऐसा होता है कि हाँ आज से 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल बाद जो मैं काम अभी कर रहा हूँ उसका जो रिज़ल्ट है वो क्या आएगा, क्या मैं ऐसा काम कर रहा हूँ कि जो सिर्फ आज ही आज मुझे रिज़ल्ट देगा लेकिन इसका कोई भी रिज़ल्ट कल को नहीं आना। तो कोई भी रिच पीपल देखोगे ऐसा कोई काम करते हुए आपको नहीं मिलेगा। जितने भी रिच पीपल हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी लोग आगे बढ़ते हैं, चाहे वो साइंटिस्ट की बात करें या किसी बड़े से बड़े व्यक्ति की बात करें, वो सब ये सोचते हैं कि जो मैं आज एक्टिविटी कर रहा हूँ इसका इफेक्ट, इसका रिजल्ट मुझे कल क्या मिलने वाला है, 2 साल बाद क्या मिलने वाला है, 5 साल बाद क्या मिलने वाला है, 10 साल बाद क्या मिलने वाला है। सबका माइंडसेट यही होता है और वो इस माइंडसेट के बेस पे काम करते हैं तब जाके वो अमीर बनते हैं। लेकिन जितने भी गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास हैं, पुअर पीपल हैं, सब ये सोचते हैं कि आज मैं काम करूं, आज मुझे सैलरी मिले, पैसा आज मिले और बस शाम को
दिन में गया, मेहनत करी, पैसा लिया, शाम को बस घर, और उससे मेरा गुजारा चलता रहे। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिच पीपल एंड पुअर पीपल। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अभी कुछ टाइम पहले जियो लॉन्च हुआ था। जब जियो लॉन्च हुआ था तो जियो ने पूरा का पूरा फ्री ऑपरेशन दिया था, सभी लोग जियो फ्री में ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन जब जियो लॉन्च हुआ तो एवरीबडी नोज कि अंबानी क्या करता है। उनका माइंडसेट था, उन्हें पता था कि आज से 2 साल बाद 5 साल बाद मुझे इसका क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या आउटपुट आने वाला है। जियो ने पूरी टेलीकॉम कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तबाह कर दिया था, इतना कट थ्रो कंपटीशन लाया था वो। लेकिन उसे ये भी पता था कि इसका आउटपुट मुझे बाद में क्या मिलने वाला है, तो उसने उस टाइम तो फ्री दिया और बाद में सारा का सारा अभी वो वसूल रहा है। और एग्जाम्पल की बात करें तो अभी शहर में भी और काफ़ी जगह पे गैस के पाइपलाइन बिछाए जा चुके हैं, गैस के पाइपलाइन। तो कहीं ना कहीं जो गैस की पाइपलाइन आज हमारे को मिल रही है या आज समझ में आ रहा है, वो सिर्फ आज से स्टार्ट नहीं हुआ है, आज से 5 साल 7 साल पहले 10 साल पहले से उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी, और वो सारा प्रोसेस होता रहा, और अब गैस घर घर में पहुंच रहा है बिना सिलेंडर के माध्यम से। तो ऐसे जितने भी रिच पीपल हैं, चाहे छोटे से छोटे, बड़े से बड़े पीपल, सभी ये सोचते हैं कि जो चीज़, जो एक्टिविटी मैं आज कर रहा हूँ, उसका 2 साल बाद 4 साल बाद 5 साल बाद मुझे क्या रिटर्न मिलेगा। इफ़ यू आर डूइंग जॉब, तो क्या आप ऐसा जॉब कर रहे हो जिसका 5 साल बाद आपको कुछ बेस्ट आउटपुट मिल सकता है? अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो क्या आप ऐसे बिजनेस में हो जिसका 2 साल बाद 5 साल बाद कुछ ऐसा बेस्ट रिटर्न मिल सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप बिजनेस कर रहे हो उसमें सिर्फ आज आज की कमाई है, कि आज आपने दिन भर मेहनत की, उससे जो पैसा आया बस उतना ही है। क्या आपका बिजनेस इस लेवल का है कि आप आज मेहनत कर रहे हो और वो कल को और ज़्यादा ग्रो करेगा और आपको और ज़्यादा रेवेन्यू देगा? जॉब में हो तो सिमिलरली आप फाइंड करो कि क्या आप ऐसी जॉब कर रहे हो, कहीं आप ट्रैप में तो नहीं फंसे हुए कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतना ही आज मिल रहा है लेकिन कल के लिए उसमें कुछ नहीं बचा। अगर हो तो बहुत बड़ी समस्या है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि इससे ओवरकम किया जाए, इसका ऑल्टरनेटिव फाइंड किया जाए। ऑल्टरनेटिव फाइंड करना इतना भी मुश्किल नहीं होता। आई टोल्ड यू कि स्टोरी में हमने देखा कि वो दिन में अपना काम जैसे कर रहा था, पानी लाने का, समंदर से गांव तक, वो एज इट इज़ करता रहा। लेकिन उसने अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकाला और जो मॉर्निंग इवनिंग का टाइम था उस टाइम मैनेज किया, और उसने जैसे तैसे वो जो बांस था, बांस के वृक्ष, एक पाइपलाइन तैयार कर ली। ऐसे ही सभी लोगों को एक पाइपलाइन तैयार करनी होती है। जितने अमीर लोग हैं सबने पाइपलाइन तैयार कर रखा है, और जो वो पानी है, पैसा, वो आते जा रहा है, आते जा रहा है। अब उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बट यस, द थिंग इज़ कि वो पाइपलाइन बिछाने में आपको मेहनत लगेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, जी जान लगाना पड़ेगा। देर इज़ नो ऑल्टरनेटिव, करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। इफ़ यू आर रेडी यू विल बी रिच, यू विल बी सक्सेसफुल। अगर आप नहीं हो तैयार, यू विल बी एज इट इज, जैसा आप हो। सो आई होप यू गाइज गॉट द वैल्यू। आज के सेशन के लिए इतना ही, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। वी विल ट्राई टू गेट सम मोर लर्निंग, सम मोर एक्सपीरियंस, कुछ और चीज़ें शेयर करेंगे, उसमें कुछ और बात करेंगे। टिल देन, हमेशा की तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।